सब मेरे मन में कंफ्यूजन है कि हमें जिम में सपोर्टर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिम में बिना सपोर्टर पहने जाते हो तो आपको हर्निया और हाइड्रोसिल जैसी बीमारी हो जाती है, तो ये सच है कि खाली मिथ है? और इसके बारे में आप कुछ बताएं कि हमें जिम में सपोर्टर पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। सो गाइस, क्या आपको भी इस तरह का कंफ्यूजन है कि आपको जिम में सपोर्टर पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? ये है हमारी मिथ बस्टर सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें हम ब्रेक डाउन करेंगे उन मिथ्स के बारे में जो कि रिगार्डिंग है सपोर्टर या लंगोट के। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक चोबिसा, द हेल्थ एंड फिटनेस कोच, और आज मैं लाया हूँ आप सबके लिए बिल्कुल एक नई फ्रेश सीरीज जिसका नाम है मिथ बस्टर सीरीज। जैसा कि आपने देखा कि एक टीनेजर बच्चा मुझसे पूछता है कि उसे जिम में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि उसे सपोर्टर या पुराने जमाने में बोलते हैं लंगोट, उसे यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। उसके मन में मिथ है, अगर वो सपोर्टर नहीं पहनेगा तो उसे हाइड्रोसील और हर्निया जैसी बीमारी हो सकती है। सो आइए इन मिथ्स का ब्रेकडाउन करते हैं। सो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, अगर हम बात करें सपोर्टर के ओरिजिन की, तो सपोर्टर का इन्वेंशन किया था सीएफ बेनेट ने इन 1874 में, जो कि शिकागो स्पोर्टिंग बोर्ड्स कंपनी में के एक मेंबर थे। सो उन्होंने इसका इन्वेंशन इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने देखा जो भी बाइसाइकिल राइडिंग करते हैं या बाइसाइकिल माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, उनको अपने ग्रोइन एरिया में बहुत सी प्रॉब्लम होती थी, जैसे उनके टेक्सटिकल आपस में टकराते थे या फिर उन्हें बाहर से जो जर्क होते हैं उन जर्क से उनको प्रॉब्लम होती थी और उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। सो इस अनकंफर्टेबल को खत्म करने के लिए या इस प्रॉब्लम को उनको खत्म करने के लिए उन्होंने सपोर्टर, जिसको पहले के टाइम में या जिसका रियल नेम जॉक स्ट्रैप है, उसका उन्होंने इन्वेंशन किया था और जिसको अब हम मॉडर्न डे में सपोर्टर के नाम से जानते हैं। सो गाइस, ऐसे ही धीरे धीरे सपोर्टर बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज होने लगा और उन स्पोर्ट्स में यूज करने के इनके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि बाहरी इन्वायरमेंट से उनको अपने टेस्टिस एरिया में या ग्रोइन एरिया में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का हिट ना हो या किसी भी तरह की इंजरी ना हो। देन इसका यूज धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में भी होने लगा, लोग बाग इसे लंगोट के रिप्लेसमेंट में यूज करने लगे एंड बहुत सारे मिथ्स भी मार्केट में फैलने लगे कि अगर हम सपोर्टर का यूज नहीं करते हैं तो हमें हाइड्रोसिल एंड हर्निया जैसी बीमारी हो जाती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मिथ की, जो कि है हर्निया। लोग बाग बोलते हैं अगर वो जिम में सपोर्टर का यूज नहीं करते तो उन्हें हर्निया हो जाता है। तो सबसे पहले उस पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि हर्निया होता क्या है। हर्निया में क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है वो हमारी एब्डोमिनल वॉल जो होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल जिसको बोलते हैं, उसको फाड़ के हमारी इंटेस्टाइन उससे बाहर आने लगती है एंड हमें उस एरिया पे कुछ घाट सा या कुछ बाहर की तरफ से उभरता हुआ फील होता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं हर्निया के रीजंस की, हर्निया हमें क्यों होता है। सो गाइस, हर्निया होने का मेन कारण ये होता है, हमारा जो भी ट्रांसवर्स एब्डोमिनल एरिया होता है उसका वीक होने की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन है वो उस एरिया से बाहर आने लगती है। सो इसका मेन रीजन ये होता है, ना कि ये रीजन होता है कि हम वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे एब्डोमिनल एरिया में प्रेशर पड़ता है और हमारी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ टोटली मिथ। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जो भी फॉरेन के एथलीट्स हैं वो इस तरह की किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते, वो सपोर्टर का यूज बिल्कुल भी नहीं करते एंड वो बहुत अच्छी लिफ्टिंग करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं। और आप देखते हैं कि देखते भी होंगे जो भी फॉरेन में एथलीट्स हैं वही ज़्यादातर जो मेन ओलंपिया है मिस्टर ओलंपिया उसको जीतते हैं, वहीं के एथलीट्स वहाँ पे जाते हैं। एंड ये जो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है ये भी एक फॉरेन का स्पोर्ट ही, हमारा स्पोर्ट्स क्या था, रेसलिंग, जिसे हम पहलवानी बोलते हैं। एंड उसको हमने धीरे धीरे अडोप्ट करते हुए, उसको चेंज करते करते हमने बॉडी बिल्डिंग को सीखा है फॉरेन कल्चर से। सो गाइस, ये बिल्कुल एक मिथ है कि हमें हर्निया हो जाता है अगर हम सपोर्टर का यूज नहीं करते। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सेकेंड मिथ की, जो कि है अगर हम सपोर्टर या लंगोट का जिम में यूज नहीं करते तो हमारे स्क्रोटम में पानी भरने लगता है या हमारा स्क्रोटम वाटर रिटेंशन करने लगता है। सो गाइस, ये भी बिल्कुल एक गलत मिथ है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सपोर्टर पहने या ना पहने उससे हाइड्रोसिल बीमारी होने का कोई भी चांसेस नहीं होते, क्योंकि हाइड्रोसिल एक अलग तरह की बीमारी है। हाइड्रोसिल में क्या होता है, हमारा जो स्क्रोटम है उसमें वाटर रिटेंशन होने लगता है और उसका मेन रीजन होता है आपको आपके स्क्रोटम में या फिर ग्रोइन एरिया में किसी भी तरह की इंजरी हो
या बाहर से आपको किसी तरह का हिट हो, या आपको बाहर से किसी तरह का आघात हो, या आपके ग्रोइन एरिया में किसी भी तरह का यूरिनरी इन्फेक्शन हो, सो उसकी वजह से आपका जो स्क्रोटम है वाटर रिटेंशन करने लगता है। एंड इसका जिम से या आपके एक्सरसाइज से, रनिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। सो गाइज, ये भी एक बिल्कुल पुराने टाइम से चला आ रहा मिथ है, और आप सपोर्टर यूज करें या ना करें, इसका हाइड्रोसिल बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, जिससे जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। एंड अगर आपकी फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। एंड आपने मेरा चैनल किसी को रिकमेंड नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं, जिससे मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनिटाइज हो एंड जल्द से जल्द मैं अपनी आईडी वेरीफाई करवा सकूं। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। सो गाइस, अब मैंने आपको ये दोनों मिथ्स तो क्लियर कर दिए हैं कि सपोर्टर ना पहनने की वजह से आपको कभी भी हर्निया एंड हाइड्रोसिल जैसी बीमारी नहीं होती। इन बीमारियों के होने का बहुत से अलग से रीजन है जिनको मैं कभी किसी और टॉपिक में कवर करूंगा, बट मैंने आपको छोटा सा आइडिया दे दिया है कि ये आपको किस वजह से होता है। एंड अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो एथलीट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक हैं, वो वर्कआउट करते हैं, वो ही बोलते हैं कि हैवी लिफ्टिंग करते समय उनको सपोर्टर का यूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनको हाइड्रोसिल हो जाएगा। सो गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एथलीट और ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एक्सपर्ट से बात की है, जो कि लोगों को वेट लिफ्टिंग करना सिखाते हैं और उनका प्रोफेशन ही यही है। और उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि मुझे 14 से 15 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में लोगों को सिखाते हुए और खुद के ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई करते हुए। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी इस तरह की सपोर्टर की या जोक स्ट्रैप की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इतने साल से हैवी वेट से वो ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, उनको कभी भी इस तरह की बीमारियाँ नहीं हुई, ना कि उन्हें हुई ना उनके स्टूडेंट को हुई। एंड गाइज, इस वीडियो को बनाने में मैंने उनसे पूछने के चक्कर में ही मुझे लेट हो गया बहुत, मैं वीडियो को इतनी जल्दी नहीं बना पाया क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला। एंड मैं चाहता था कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, इसलिए मैंने बहुत से एथलीट से बात करी, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनसे बात करी। एंड उन सबका मिक्स्ड ओपिनियन यही है कि आप चाहे इसको पहने या ना पहने, इसका इन बीमारियों से कोई भी लेना देना नहीं है। सो आप अगर बिना सपोर्टर के भी जिम जाते हैं तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको ये बीमारियां हो जाएगी। बट मेक श्योर कीजिएगा आप जो भी वेट को यूज कर रहे हैं या जिन भी वेट्स का यूज कर रहे हैं उसमें आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करें, अपनी फॉर्म एंड टेक्निक को बिल्कुल सही रखें एंड अपनी बॉडी को स्टेबल बनाएं और अपने कोर की स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान दें, कोर की एक्सरसाइज करें, जैसे प्लैंक्स हो गया, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें। देन सेकंड चीज ये मैंने लिखी है गाइस, सो लोग बोलते हैं, जो भी रनर्स होते हैं, जो भी एथलीट जो भी रनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, उन्हें भी रनिंग के टाइम पे सपोर्टर पहनने की जरूरत होती है। सो गाइस, एक्स मराइन कमांडो प्रवीण कुमार टेवटिया, जिनका चैनल है मैक्रोस प्रवीण टेवटिया, इनके चैनल मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले, मीन्स एक दो दिन पहले ही, जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कि हमें सपोर्टर का यूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। उनका एक चैनल है जिसका नाम मैंने आपको बताया है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वो एक एथलीट हैं, एक रनर हैं, फिटनेस कोच हैं, हेल्थ कोच हैं, वो एथलीट्स को तैयार करते हैं एंड वो एक आर्म्स फोर्सेस से भी रिटायर्ड हैं। अभी वो रिटायर्ड हैं या नहीं ये मेरे को कन्फर्म नहीं है, पर वो अपनी आईडी के आगे एक्स लगाते हैं तो शायद वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उनका भी मैंने वीडियो देखा था, वो भी यही बोलते हैं कि जो रनर्स होते हैं या जो भी एथलीट्स हैं उनको किसी भी तरह के सपोर्टर या लंगोट की जरूरत नहीं होती वाइल वर्कआउट या वाइल रनिंग। और वो भी यही बोलते हैं कि आपको इन बीमारियों का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सो आप बिना किसी डर के अपनी एक्सरसाइज को बिना सपोर्टर के कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइज, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा जो भी लेबर हैं या जो भी मजदूर हैं जो घर बनाते हैं या बहुत सी जगह पे काम करते हैं, वो बहुत सा हैवी वेट तोकते हैं, दिन भर उनका काम होता है ईंटें तोकना, पत्थर तोकना, वो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते हैं, दिन भर ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें तो कभी हाइड्रोसिल या हर्निया जैसी बीमारी नहीं होती, वो भी तो वेट लिफ्टिंग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो ऊपर से ही तोक रहे हैं, वो बिल्कुल जमीन से पत्थर तोकते हैं, सर पे रखते हैं, उनके भी एब्डोमिनल एरिया पे बहुत सारा प्रेशर आता है।
सो गाइस एंड ऑफ द डे अगर हम इस वीडियो का समरी निकालें या कंक्लूजन निकालें तो हमें जिम में एक्सरसाइज करते समय सपोर्टर या लंगोट की या फिर जोक स्ट्रैप जो बोलते हैं उसकी कभी जरूरत नहीं होती अंटिल अनलेस आप किसी भी तरह का कॉम्बैट स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं जिसमें आपको बाहर की तरफ से अपने ग्रोइन एरिया पे लगने का डर रहता है। और मैंने जितने भी एथलीट से बात की है या जितने भी एक्सपर्ट्स से बात की है या उनका चैनल देखा है या वेबसाइट देखी है वो सब यही बोलते हैं कि जोक स्ट्रैप का बॉडी बिल्डिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूज होती है जो कि कॉम्बैट स्पोर्ट खेलते हैं। एंड गाइज एक क्वेरीज जो लोगों की हमेशा रहती है कि वो बोलते हैं जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनको लोअर एब्डोमिनल एरिया पे या अपने टेस्टिस एरिया में प्रेशर फील होता है। सो गाइज इस समय हमें क्या करना चाहिए? सो गाइज वैसा कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम जब भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम जाते ही पहले दिन ही 20-20 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल करने लग जाएंगे या डायरेक्ट 100 किलो के बेंच प्रेस करने लग जाएंगे। हम धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करते हैं ना, तो आपको भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी है, धीरे धीरे अपने मसल्स को या अपने मसल फाइबर्स को स्ट्रेंथ देनी है, अपने एब्डोमिनल एरिया या कोर एरिया की भी एक्सरसाइज करते रहना है जैसे कि प्लैंक एंड क्रंचेस। गाइस प्लैंक एंड सिटअप्स लाइक एक्सरसाइज करने से आपकी कोर की स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है जिससे आप जब भी डेडलिफ्ट एंड शोल्डर प्रेसेस स्क्वाट जैसे एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपका कोर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है उसमें आपको दिक्कत नहीं होती एंड आपकी स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। फिर भी अगर आपको कुछ एक्सरसाइज करते समय प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि स्कल क्रशर करते समय, ट्राइसेप पुश डाउन करते समय या और भी किसी भी तरह का एक्सरसाइज या मूवमेंट करते समय आपको लगता है कि आपको ग्रोइन एरिया में प्रेशर फील हो रहा है या आपको किसी भी तरह की बीमारी है लाइक आपका हर्निया का ऑपरेशन अभी जस्ट हुआ है और आप अब अपनी जिम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको अपने ग्रोइन एरिया में प्रेशर फील होता है, उस कंडीशन में आप अपने अपने लिए सपोर्टर या लंगोट का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज ये था मिथ बस्टर सीरीज का पहला एपिसोड जिसमें हमने बात करी हमें जिम में सपोर्टर या लंगोट पहनना चाहिए या नहीं चाहिए एंड जो भी इसके मिथ्स हैं उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को कम से कम अपने दो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जिससे उन लोगों के भी मिथ्स क्लियर हो सकें। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है या किसी भी तरह का मिथ्स है जो आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।